और चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने इजाजत देकर राज्य सरकार पर जिम्मेदारी छोड़ दी है। प्रदेश सरकार ने जनसंख्या के अनुसार वैक्सीन की डिमांड की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने मात्र 1.5 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ को दी है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने गरीब अंत्योदय कार्डधारियों को सबसे पहले वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया, जिससे विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने पदाधिकारियों ने विपक्ष पर पलटवार किया। यहाँ सिविल सेंटर के नाम से स्कूल को चयनित किए हैं, वहाँ व्यवस्था किए हैं कि कोई बाहर से आ जाए तो, अभी तक तो कोई मजदूर नहीं आई है। और सैनिटाइजर ग्राम पंचायत है, सरकारी भवन है और जो मुख्य गली है वहाँ किए हैं। और गांव में पंच और सरपंच एक दिन घूम कर और मितानी लोगों के साथ गांव प्रेरित किए टीकाकरण के लिए और हाथ धोने के लिए सबको बताए गए। इस तरह से मतलब गांव में सबको जानकारी दी कि टीकाकरण होना है और टीकाकरण के लिए प्रेरित किए गए, क्योंकि जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास पेन लाइट वगैरह नहीं जाता है तो ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। इसलिए हमारी सरकार जो है गरीब तबके के लोग हैं उनको पहले लगाई जाए, उसके बाद तो हमारे असामान्य लोग लगा ही सकते हैं। ये सोच के गरीब लोग को पहले लगाने की तय की है, ये कोई गलत नीति नहीं है। और ऐसे समय में जो विपक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं ये सब नौटंकी है। उनको इस बात के लिए बोलना चाहिए, जैसे कि उन्होंने वैक्सीन का जो रेट तय किया केंद्र सरकार ने। कोरोना पूरे भारत देश में फैला हुआ है और कोरोना को तो लाने वाले मोदी जी है, जो नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम से लेकर जितने भी रैलियां किए इन्होंने असम में बंगाल में, कोरोना को तो लाने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं है। वैक्सीन के लिए जो नीति बनाई गई है राज्य शासन के द्वारा, वो नीति कहीं पर से भी ना कोई आरक्षण है, आरक्षण की बात जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो गंदी राज्य।